हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो खेलेंगे आज जी टी ए 5 का गेम फिर से। तो जी टी ए 5 में आज करने वाले हैं बैंक की रॉबरी। तो उसी बैंक का मैं ज़रा वे पॉइंट सेट कर लूँ यहाँ पे। तो पैसिफिक बैंक में हम करेंगे आज रॉबरी, तो उसका वे पॉइंट हो चुका है सेट। तो चलते हैं भाई, गाड़ी को निकालते हैं। तो फ्रैंकलिन हमारा एकदम रेडी है, बैग वैग लेके तैयार था। तो गाड़ी अब ले जा रहा है बैंक की तरफ। तो यहाँ पर अब चलेंगे हम लोग। हमें आज बहुत बड़ा काम करना है भाई, बैंक की रॉबरी करनी है, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। लेकिन यार ये मैं काम जो था वो अकेले करना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं इसके साथ या माइकल या ट्रेवर को ले लूँ, लेकिन यार पहले मैंने माइकल को कॉल किया तो माइकल कहता है मैं अपने किसी और काम में बिज़ी हूँ। और उसके बाद मैंने ट्रेवर को कॉल किया तो ट्रेवर का कॉल लगा, मतलब लगा, लेकिन उसने रिंग तो जा रही थी लेकिन उसने कॉल उठाया ही नहीं। पता नहीं वो भाई वो अपने कौन सी मस्ती में था। तो फिलहाल तो मैं अकेला पड़ गया यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात बहुत ज़्यादा है यार, है क्यों नहीं, क्योंकि अकेले रॉबरी करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। अकेले देखते हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मैं बैंक की तरफ एकदम जा रहा हूँ। तो चलो भाई, अब बैंक भी कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अब बैंक पहुँच गए। हाँ, तो यहीं पे हमें, अच्छा ये यहीं पे है बैंक, ये रहा बैंक, सामने ही है बैंक। ओके, तो यार रास्ता दे दो, हट जाओ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार जो अपनी गाड़ी है इसको इधर एकदम बैंक के पास ही पार्क कर लूँ, क्योंकि मैं गेट के सामने ही पार्क करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं जब बैंक की रॉबरी करके बाहर आऊँगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं इधर उधर भागूँ, सीधा गाड़ी में चढ़ूँ और फटाक भाग लूँ यहाँ से। तो बस मैंने यही सोचा है, इसलिए मैंने एकदम नज़दीक में पार्क कर दिया। तो चलो भाई बैंक के अंदर चलते हैं। तो यहाँ से अब हमारा मिशन हो जाता है स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे भाई, सिक्योरिटी गार्ड को हमें लगाना है ठिकाने। तो पहले ले लेते हैं बंदूक, तो ये वाली ले लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है क्या? अच्छा ये रहा, आराम से जाएंगे। और ये मारा, ओके एक ही में, ये तो एक ही में लुढ़क गया भाई। एक और सिक्योरिटी गार्ड से गोली मारूंगा। ओके वो भी गया, वो भी गया। ओके ठीक है, और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो, कोई नहीं हिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई उठने के लिए। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जगह पर ले चुके हैं। अभी गोली कौन चला रहा है? अभी सिक्योरिटी गार्ड मरा नहीं है, रुक जाओ तू, रुक जा। ओके अब जाके मरा है सिक्योरिटी गार्ड, अभी मरा भी नहीं था, इसको गोली लगी थी लेकिन उसी मतलब बेहोशी हालत में गोली चला रहा था। अभी ये क्या कर रहा है? इसने घंटी बजा दी, सबको अलर्ट कर दिया इसने। अरे यार मैं क्या किया भाई तूने, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहे, कोई नहीं लगा। नहीं तो देखो जैसे गोली चला रहा हूँ मैं, सबको उड़ा दूंगा उस गोली से। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, अपनी जगह पे बैठे रहो। वैसे भी यार मुझे इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, मुझे तो वैसे ही बैंक की रॉबरी करनी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ भाई। पहले मैं जाके इस गेट को खोलूँगा। तो गेट के लिए मुझे अपने बैग से पहले थर्मल चार्ज को निकालना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ पर फिट करता हूँ, उसके बाद ये गेट खुल जाएगा। चलो भाई, स्पार्क निकल रहा है, गेट खुलेगा। अब पता नहीं यार यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा, मुझे पता नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा है। ऐसे मैंने मास्क पहन रखा तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, डर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई सबूत छोड़ना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जितने सारे कंप्यूटर पड़े हैं मैं सोच रहा हूँ सबको डिस्ट्रॉय कर दूँ। चलो भाई, डिस्ट्रॉय का काम भी स्टार्ट हो चुका है, तो सारे कंप्यूटर को मैं एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दूँगा कि किसी भी तरह कोई सबूत बचे ना और मुझे कोई फिर बाद में दिक्कत हो ना। तो यहाँ पर लगभग लगभग मैं सारे कंप्यूटर को जो है डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। तो और कोई कंप्यूटर बचा है क्या यार यहाँ पे? तो आगे चल के देख लेते हैं, होगा तो यार उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं फटाफट। चलो चलो चलो, हाँ यहाँ यहाँ पे है, चलो इसे भी कर देते हैं डिस्ट्रॉय। ओके ये भी हो गया, अभी यहाँ भी है, तो इसे भी उड़ा देते हैं बंदूक से। चलो भाई उड़ा दे। चलो ये भी हो गया, बाकी के दो शायद कंप्यूटर और बचे हैं, इसे भी उड़ा देते हैं। ये भी गया, ओके हो गया, लग रहा है सब काम हो गया ना। चलो यहाँ पे अब यहाँ भी थर्मल चार्ज लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ भी हमने लगा दिया थर्मल चार्ज, और ये निकल रहा है स्पार्क, निकल रहा है गोल्डन कलर का, गोल्डन ही है। ठीक है ठीक है, ओके अब जाना है नीचे। तो यहाँ पे अब क्या काम है यहाँ पे? अच्छा अब मुझे यहाँ पे सिस्टम को हैक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ बैग्स, निकालूंगा अपना कार्ड, निकालूंगा यहाँ पे कार्ड डालूंगा और इस सिस्टम को हैक करना अब स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा लॉकर खुल सके और मैं बैंक की मतलब रॉबरी यहाँ से सारा कैश लेकर भाग सकूँ। तो ये डाटा क्रैक करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये हो गया, ओके ठीक है, ये भी हो गया, इसके साथ ये भी हो गया, और लगभग आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। ओके ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है, लास्ट है लास्ट, हो गया। तो भाई हैक कर लिया मैंने सिस्टम को, अब लॉकर को खुल जाना चाहिए यार अब तो। लॉकर हाँ खुल गया, खुल गया लॉकर, खुल गया। चलो भाई अब मुझे अंदर जाना होगा।
चलो अंदर चलो अंदर अंदर अंदर। तो यहाँ भी अभी ये भी गेट लॉक है क्या? यहाँ भी मुझे लगाना पड़ेगा थर्मल चार्ज। तो चलो ये यहाँ भी लगा दिया, अब स्पार्क निकलेगा और गेट खुल जाएगा। चलो तो ये गेट खुल गया। चल भाई चल, क्या है कहाँ पे, कहाँ जाऊँ? अच्छा इधर ही चलते हैं। तो ये ओके, मैं पहुँच गया लगता है। अभी ये कैश, ये रहा, यहाँ पे हैं बहुत सारे कैश रखे हुए हैं। ओके जल्दी यार फ्रैंकलिन, यार फटाफट बैग में भर। यार तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? जल्दी हमको निकलना है यहाँ से। ये फ्रैंकलिन अपने काम में लग गया, फटाफट कैश भरना इसने स्टार्ट कर दिया। तो यार यहाँ पे मैं कैश एकदम भरने में लगा हूँ फटाफट। लेकिन यार यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो बाकी जिसको मैंने अपने गन पॉइंट पर रखा था लोगों को, वहाँ पे उनको यार देखने वाला कोई है नहीं। इसलिए मैं माइकल या ट्रेवर में से किसी को लेके आना चाहता था कि यार कम से कम मैं यहाँ कैश लूट रहा हूँ, तो वहाँ पे एक जना होता तो ध्यान रखता इस बात का कि वो कोई चालाकी ना करे, वो कोई पुलिस को कॉल वॉल ना कर दे। अब तो लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ये तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा कि उन लोगों ने कोई चालाकी की है या नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है शायद करी दी होगी। तो भाई फ्रैंकलिन यार जल्दी जल्दी भर, कितना टाइम लगा रहा है यार कैश इकट्ठा करने में। तो ओके ओके जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पे लगभग अब मेरा काम हो ही गया, कैश बैग में हो गया, भर लिया भर लिया। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे जाने से पहले यार बंदूक ले लेते हैं। पता नहीं आगे का क्या हिसाब किताब है, कुछ पता नहीं है आगे क्या सीन होने वाला, कुछ पता नहीं। क्या पुलिस वाले आ गए तो फिर यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अब तो यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ यार। अकेले में सारे पुलिस वालों से लड़ नहीं सकता, तो इसलिए अब देखते हैं क्या है। फिलहाल तो यार यहाँ से बाहर निकलने में देखते हैं क्या होता है। ओके सारे के सारे तो यहीं बैठे हैं, शायद मैं निकल सकता हूँ आराम से। अरे ये क्या हो गया? ओह शिट मैन, जिस बात का डर था वही हुआ आखिरकार। यार इतनी सारी पुलिस आ गई, मैं इनसे लड़ने वाला हूँ नहीं, गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं, डायरेक्ट बैठ गया। चल भाई निकल ले फ्रैंकलिन फटाफट, यार गोली की बौछार हो चुकी है मेरे ऊपर। ओह शिट मैन यार, एकदम से इतनी सारी गोली, मैं एकदम फुल स्पीड में भागा हूँ वहाँ से। लेकिन यार मुझे इन पुलिस वालों की रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इनके पुलिस वालों की रेंज से बाहर नहीं निकलता हूँ, तब तक यार मैं ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। अरे पुलिस की गाड़ी देखो कितनी सारी है, पीछे पड़ गई है ये, हर जगह पुलिस यार एकदम से हर जगह से पीछे पड़ गई है मेरे। क्या करें, एकदम कहाँ भागें? मेरे को लग रहा है हेलीकॉप्टर भी पुलिस का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो हल्का सा मुझे कुछ दिखा था वहाँ पे यार, हेलीकॉप्टर तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी और हेलीकॉप्टर बिल्कुल मेरे पीछे पड़ चुके हैं और एकदम से यार फायर कर रहे हैं मेरे ऊपर। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं अंधाधुंध गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ, ये भी नहीं पता मुझे। ये देखो हर जगह पुलिस मौजूद है, आगे से पीछे से दाएँ बाएँ साए कहीं से भी पुलिस आ जा रही है यार। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। पुलिस की फायरिंग हो रही, देखो यार ये पुलिस की गाड़ी में ठोक दिया था। ओके तो यहाँ से मैं भाग रहा हूँ, मैं एकदम फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भाग रहा हूँ। लेकिन यार अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं छुपूँ तो छुपूँ कहाँ यार, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। ओ गाड़ी को उड़ा दी, क्या उड़ाया यार इसको। ओके 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 तो यहाँ पे यार बिल्कुल अब मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका हूँ, मैं जाऊँ कहाँ? मेरी गाड़ी की भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यार ऊपर से हेलीकॉप्टर है पुलिस का, नीचे इतनी सारी गाड़ियां हैं। अब समझ नहीं आ रहा मैं कौन से वजह से निकलूँ, मुझे ऐसी जगह जाकर छुपना पड़ेगा जहाँ ये लोग आ ही ना पाए। अब यार ये पता नहीं क्या करूँ, मुझे गाड़ी जो है एकदम कुछ ख़राब सी हो गई यार। गाड़ी का जो कंट्रोल है वो भी काम नहीं कर रहा है ढंग से। तो यहाँ पे यार अब मेरे को लग रहा है कि गाड़ी बदलने की ज़रूरत। देखो हेलीकॉप्टर हो रहा हो रहा हो रहा, पुलिस का हेलीकॉप्टर ऊपर ही था। तो यार यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे को कार बदलने की ज़रूरत है। ओके यार ये गाड़ी बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अबे ये पुलिस की गाड़ी है तो यार हर जगह से आ रही है, लेकिन ये गाड़ी अब मेरे कंट्रोल में है नहीं है बिल्कुल, मैं इसे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी, तो मैं ऐसी जगह जाने की सोच रहा हूँ जहाँ मैं मुझे दूसरी गाड़ी मिल जाए। तो चलिए यार देखते हैं कोई दूसरी जगह पर, तो मैं दूसरी जगह आ तो चुका हूँ यहाँ पर, ये कहीं से बहुत जगह घूम घाम के आया मैं यहाँ पर। यहाँ पर एक गाड़ी दिखी है मेरे को, चलो यार इस गाड़ी में बैठते फटाफट से। और गोलियां तो यार रुकी नहीं रही है, गोलियां चली जा रही है मेरे ऊपर, मतलब हद हो गई है यार। कहाँ कहाँ से गोलियां चल रही है मुझे ये भी नहीं पता है। तो हेलीकॉप्टर से जो ऊपर से मतलब गोले चला रहे उसने तो हद ही कर रखी है। चल ले भाई चल ले, निकल ले निकल ले निकल ले फटाफट फटाफट फटाफट, शाम हो गई देखो। अरे शाम हो गई यार, ये तो दोपहर से मुझे परेशान कर करके शाम कर दिया उन्होंने। यार ये गाड़ी लेकर चल रहा हूँ, फटाफट भागूँगा यार। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल छुपना है, इन लोगों की रेंज से बाहर जाना है। ले यार इस गाड़ी का भी तो बंटा धार हो गया भाई ही, क्या करें अब इसका। ओ ले क्या ठोका यार पुलिस वाले, तो यार कहीं से पीछे से मेरी गाड़ी में आग लग गई।
ओह शिट मैन, मुझे इस गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, इस गाड़ी को छोड़ना ही पड़ेगा भाई। गाड़ी में आग लग चुकी है, ब्लास्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ से नहीं उतरा तो। ओके यार, क्या क्या थ्रिलर मूवी चल रही है भाई, हर जगह पुलिस। अरे भाग ले यार, यार फ्रेंडली। ओह फ्री, कितनी सारी गोली लग गई यार मेरे को, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ इस टाइम। ये पुलिस की गाड़ी लेके भाग रहा हूँ मैं, हट जा भाई, हट जा हट जा, फटाफट निकलूँगा यहाँ से। ओके ओके चल ले भाई चल ले यार, पुलिस की गाड़ी लेके भाग गया हूँ, लेकिन इस पुलिस की गाड़ी की भी हालत कुछ सही नहीं है, मुझे नहीं लगता इस गाड़ी में ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाऊँगा मैं। ओके चलो 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 यार, जल्दी जल्दी निकल ले फटाफट फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है यार मेरे को, ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ पहुँच सकूँ, मतलब जहाँ एकदम सेफ हो जाऊँ यार मैं। यार देखो ये पुलिस की गाड़ी अटक गई, अब मुझे यहाँ से भी बाहर निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से पैदल ही निकलूँगा यार, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा फिलहाल के लिए, भागूँगा यहाँ से मैं पैदल ही जाऊँगा। ओ भाई फ्रैंकलिन, क्या सुपर जंप लिया यार तूने, पहले क्यों नहीं ली, इतने देर से क्या कर रहा था। चल 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 निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले यार, घर में सोच रहा हूँ घर घर से निकलूँ यार, घर घर में छुपना ज़्यादा आसान होगा, यहाँ बहुत सारे घर हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ इनके बीच बीच में से निकलूँ तो थोड़ा यार बच के रहूँगा मैं। तो देखो यार मुझे भागते भागते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो चुकी है यहाँ पे, और लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने मेरा पीछे नहीं छोड़ा है, हर जगह से गोलियाँ, मतलब हेलीकॉप्टर गाड़ी। ये फ्रैंकलिन ने फिर से क्या जंप लिया है यार, मतलब हेलीकॉप्टर गाड़ी हर जगह मौजूद है, और मुझे अभी तक कोई जगह नहीं मिली है मैं जहाँ छुप पाऊँ। यार ये रॉबरी करना इतना भारी पड़ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था, मुझे सही में यार अपने साथ लेके आना चाहिए था किसी को, लेकिन यार मैं ही कुछ ज़्यादा बन रहा था, मैं अकेले जाके कर लूँगा यार, अब मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। ओके तो यार ये गाड़ी ले लिया मैंने, अब मैं सोच रहा हूँ यार कोई ऐसी जगह, अब मैं फाइनली सोच रहा हूँ कोई ऐसी जगह जाया जाए जहाँ मैं बिल्कुल छुप जाऊँ, क्योंकि यार मैं दोपहर में आया था चोरी करने, और भाई पुलिस से भागते भागते मुझे एकदम रात हो चुकी है, अब यहाँ पे मुझे एकदम भागना पड़ेगा, लेकिन पुलिस है कि यार ये पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है मेरा, मैं करूँ तो क्या करूँ है ना, ये गाड़ी भी मैं अंधाधुंध चला जा रहा हूँ, इधर उधर ठोके जा रहा हूँ ठोके जा रहा हूँ। देख भाई पुलिस की गाड़ी फिर से मतलब यार हद है यार, ये लोग पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या करे जाए क्या करा जाए बताइए। ओके यार यहाँ पे आ गया हूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं समझ नहीं आ रहा है। ओ ओ शिट शिट शिट, मैं पानी के अंदर गिर गया, अरे भाई पानी के अंदर गिर गया यार, अब तो मतलब मैं पानी के अंदर छुप जाता हूँ, पानी के अंदर ही छुप जाता हूँ, क्या पता ना देखे है ना। अबे पानी के अंदर भी फायरिंग कर रहे हैं यार, मैं कहाँ जाऊँ यार, कोई जगह नहीं मिले, मैं तो फंस गया, अब तो लग रहा है मैं पकड़ा ही जाऊँगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो रुक जा मैं उसके नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके नीचे चला गया यार तो ये हेलीकॉप्टर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, फिर ये हेलीकॉप्टर नहीं ढूंढ पाएगा तो बाकी के इतने सारे पुलिस है मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे, और रात का टाइम है और मैं अंधेरे में छुप सकता हूँ आराम से, तो मैं इसी के अंदर सोच रहा हूँ अपना छुप जाऊँ, तो यहाँ पर एक जगह ले लेता हूँ और वहीं पर थोड़ी देर में वहीं पर सोच रहा हूँ वहीं पर रेस्ट करूँ यार, क्योंकि ज़ख्मी में मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, काफ़ी गोलियाँ लगी है मेरे को, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, देखते हैं यार क्या होता है। कुछ देर बाद पता लगेगा कि पुलिस वाले यहाँ से अगर चले गए तो यार ये मिशन ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये देखो भाई कितनी सारी पुलिस है, लेफ्ट साइड में मैप में आप देख ही सकते हैं रेड डॉट, इतनी सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्या किया जाए बताओ। तो यार ये रॉबरी तो बहुत महंगी पड़ी मेरे को। ओ फाइनली मेरा यहाँ पर छुपना कामयाब रहा और ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया, तो यार पुलिस अपने सब जा चुकी है, मैं यहाँ छुप गया यार, अच्छा किया मैं यहाँ छुप गया, फाइनली यार उन लोगों से बचा मैं, तो फाइनली ये मिशन मेरी रॉबरी जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो फिलहाल अब इस गेम प्ले को एंड करेंगे यहीं पे, उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट गेम प्ले में नेक्स्ट चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।